नमस्कार, डेमोक्रेटिक वार के खास कार्यक्रम रूबरू में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ मीनाक्षी ठाकुर। डेमोक्रेटिक वार के खास कार्यक्रम रूबरू में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक नौजवान शख्सियत से जिन्होंने अपने जोश और होश के साथ राजनीति में अपना सितारा चमकाया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के युवा नेता राजा अंसारी जी राजनीति में एक बहुत ही कम उम्र में जो है आपने राजनीति स्टार्ट की और फिर अपनी माता जी को नगर पालिका के नेटौर से आपने चुनाव लड़ाए और उन्हें एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाया। तो ये इस सफ़र में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आप लोगों ने इतनी इज्जत के साथ नवाजा, आपने बुलाया। हुआ यूँ था कि मैं कॉलेज की लाइफ से एकदम बिजनेस में आया तो शहर की हमारी कंडीशन ये थी कि बहुत बहुत मोस्टली लोग जो है अपने काम के लिए कहीं जा नहीं पाते थे, वहीं पे अपना शहर के लोग नेटवर्क हम लोग रहने वाले हैं, कोई कहीं किसी मतलब प्रॉपर चैनल एक कोई काम करने का था नहीं। मेरे एक दोस्त थे वो ठीक ठाक एक अहदे पे थे, अचानक वो आए तो उनके साथ मेरा अच्छा ताल्लुक था, वो बोले आप अगर कुछ काम हुआ करे तो उसे बताइए। उनके ज़रिए कुछ मैं काम वाम करता रहा, लोगों की मदद करता रहा। बढ़ते 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 सिलसिला एक दिन ऐसे मोड़ पे आ गया कि जो हमारे शहर के जो जिम्मेदार और पुराने पॉलिटिकल लोग थे उन्होंने बहुत मतलब इस चीज़ को नेगलेक्ट करना चाहा कि मतलब मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ और मैं कोई मतलब एक अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ और मैं लड़का हूँ। तो ये सब चीज़ें चलती रही, एक ज़माना लगा इसमें, लगभग 2 साल इसी में गुजर गए। अब 2 साल गुजर गए तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद जब मैं काम कर रहा हूँ और लोगों को इससे परेशानी है तो मुझे आगे आना चाहिए। चलता रहा, लोगों ने इलेक्शन के लिए कहा मुझे कि आप इलेक्शन लड़िए, मैंने मना किया, मैं बोला नहीं मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा क्योंकि मैं अपने परिवार में खुद ज़िम्मेदार हूँ और बहुत मतलब मैं एक नॉर्मल फैमिली मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मुझे मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं, मैं नहीं लड़ पाऊँगा। खैर लोगों का काफ़ी लोगों ने कोशिश की और कहा मुझे इलेक्शन के लिए, तो मैंने सोचा चलो ठीक है ट्राई कर लेनी चाहिए। ये उम्मीद नहीं थी कि मतलब चुनाव में इतने ऊपर वाला और मेरे शहर के लोग इतना मतलब इतनी मोहब्बत के साथ नवाज देंगे, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं काम करता रहा, चुनाव में आगे बढ़ता रहा। इलेक्शन के दौरान जब मैं चुनाव की तैयारी कर रहा था तो बहुत परेशानियाँ, लगभग 6 मुकदमे मुझ पर, झूठे मुकदमे 6 मुकदमे आज भी मुझ पर चल रहे हैं जो इस इलेक्शन के दौरान, जैसे बिजली का झूठे मुकदमे और बहुत सारे मतलब इसी तरह से मेरे ऊपर लगते रहे। मैंने कभी कदम पीछे नहीं हटाया, चलता रहा, बोला कोई बात नहीं हो सकता है। अब ये चलते चलते इसमें जो मेन वो थी वो ये थी कि मेरी एज कम थी इलेक्शन के हिसाब से, वो मुझे मालूम नहीं था। अब इलेक्शन जब सर पे आ गया तो 3 महीने रह गए, तब मालूम पड़ा कि उम्र कम है। अब वहाँ पे हम नामजदगी के लिए तब जब गए तो मुश्किल से 1.5 महीना मेरी एज कम थी। अब 1.5 महीना एज कम थी तो जाहिर सी बात है कि कोई मतलब नहीं बनता। फिर मैंने ये किया कि 15 दिन रह गए थे चुनाव में, अपनी मदर को मैं लेके गया और उनकी नामजदगी मैंने नॉमिनेशन उनका कराया। उनका नॉमिनेशन कराना एकदम से एक मतलब शहर वालों के लिए बहुत बड़ी बात थी, एकदम से एक मतलब आप समझती हैं कि एक प्रत्याशी का चेंज हो जाना, और उस प्रत्याशी का चेंज हो जाने में सबसे बड़ी बात यह है कि एक लेडीज़ और वो भी घरेलू लेडी, अम्मा हमारी इतनी अच्छी खासी एजेड भी हैं, 60 ईयर उनकी एज है। मतलब मैं अपने शहर वालों के इतना शुक्रगुजार हूँ, आप यकीन कीजिए कि मैं नॉमिनेशन में अपनी अम्मा को लेके गया और उन्हें लेके आने के बाद मैंने शहर वालों को बताया कि मैं नॉमिनेशन में अपनी मदर का करा के लाया हूँ, मेरा नहीं हो पाया। तो मतलब खुले दिल से लोगों ने मतलब उसका वेलकम किया और ये कहा कि कोई बात नहीं, काम तो आप ही करेंगे, मेहनत आपकी है, काम आपने किया है और मतलब वोट आपका है तो आप ही कुछ कीजिए, कोई बात नहीं। तो वो भी एक्सेप्ट किया जनता ने और मतलब उसको पूरा दिल से स्वागत किया उस फैसले का, और पूरा चुनाव दिल से मतलब मेरे ख्याल में शायद हिंदुस्तान का पहला चेयरमैन ऐसा होगा या कोई भी अहदे पे एक पहला नेता मैं ऐसा होऊंगा जिनकी प्रत्याशी का ना फोटो ना स्टेज पे, और मतलब शहर के लोगों ने खुले दिल से लड़ाया चुनाव।
और 1947 के बाद अगर मेरे ख्याल में चुनाव में इतना वोट नेटोर के इतिहास में पहली मर्तबा हमें 8,500 के आसपास वोट पड़ा, पहली मर्तबा इतना वोट पड़ा हम लोगों को, और ये मतलब रिकॉर्ड नाम हुआ है। इतनी परेशानियाँ फेस करने के बाद, जैसे आप एक कॉलेज स्टूडेंट थे, कॉलेज स्टूडेंट के बाद मतलब आपके पास बहुत अच्छा करियर ऑप्शन था, जैसे आप बिजनेस में थे, इतनी परेशानियाँ झेलने के बाद भी आपका क्या ऐसा मतलब क्या ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया कि आपको राजनीति में आना ही चाहिए? मैंने अभी बताया आपको कि शहर के लोग काम के लिए बहुत परेशान रहते थे, कोई रास्ता या कोई आदमी ऐसा नहीं था जो उनको पर्सनली बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ी, तो उस कंसेप्ट उस कॉन्टेक्स्ट में ऐसा हो जाता है कि इंसान को राजनीति की इंस्पिरेशन कहाँ से मिल गई कि हाँ मुझे नहीं लोगों के लिए काम करना चाहिए? वो मैं बताऊँ आपको, जैसे मतलब ये आदमी आजकल राजनीति जो है वो बड़े मतलब ऊँचे पैमाने पर जा चुकी है, आप राजनीति करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत है, आपके पास पैसा होना चाहिए जो आप अपने हाथ से खर्च करें, लोगों के काम आए, ना कि उनके पैसे खर्च करके अपनी जेब भरें। ये हमने अपने नेटोर में और नेटोर के लोग जानते हैं, और तभी इतना मतलब मुझे वोट भी पड़ा है कि मैंने अपनी जेब से लोगों के लिए खर्च किया और कोशिश की कि किसी का एक पैसा ना जाए प्रशासन को, ना जाए किसी और, मतलब किसी भी विभाग को मैं कभी पैसे नहीं जाने दिया, कोशिश की मैंने, बोला चाहे मेरी जेब से लग जाए, मतलब मैंने अपने आप को बिल्कुल, आप यकीन नहीं करेंगी, मैंने मैडम अपने आप को बिल्कुल ऐसा कर दिया था कि कुछ भी मेरे पास खोने के लिए नहीं बचा था, सब कुछ दांव पे लगा दिया था इसके लिए बस। लेकिन वो एक आपने पूछा ना कि ऐसा क्या एक्सप्रेशन, वो जो मतलब अंदर से आती थी ना फील के सुबह उठना है और किसी की मदद करनी है, वो मेन चीज़ थी और वो ही आज भी है, वो जज्बा मेरे अंदर आज भी है। मैं सुबह उठता हूँ डेली 3-4 घंटे लोगों की सुनने के लिए, जन समस्या सुनने के लिए बैठता ही बैठता हूँ, अगर मैं शहर में हूँ तो, शहर में नहीं हूँ वो अलग बात है। भविष्य को लेकर आपकी क्या योजना? एक्चुअली अभी बने हुए 1.5 साल हुआ है, फिलहाल तो भविष्य नेटोर है, कुछ भी करना है कैसा भी करना है, कोशिश ये है कि जिस उम्मीद से लोगों ने मतलब यहाँ पहुँचाया है, यहाँ बिठाया है, मतलब मुझ जैसे नाकाबिल इंसान को अगर यहाँ बिठाया है तो मैं चाहूँगा सबसे पहले मैं उनकी उम्मीद पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँ, उसके बाद सोचेंगे। क्या हम आपको भविष्य में विधायक के रूप में देखें? नहीं, एक्चुअली विधायक तो बहुत बड़ी चीज़ है, मैं तो सोचता हूँ कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ कि अपने लोगों में जाके पूछूँ कि क्या मुझे दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, मैं आपके काबिल हूँ या नहीं हूँ। अगर उन लोगों ने मुझे, मेरे शहर के लोगों ने वाकई ये कह दिया कि नहीं तुम सही काम कर रहे हो और हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तो मैं ये इलेक्शन लड़ूंगा, मैं ये भी नहीं लड़ूंगा। मैं ये मतलब मेरी खुद की पर्सनली सोच है, जबकि एक राजनीतिक आदमी को इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए और कोई पूछता भी नहीं है। मैं ये इलेक्शन भी लोगों से पूछ के लड़ा था और मैं आने वाला इलेक्शन भी अगर लड़ूंगा तो वो भी पूछ के ही लड़ूंगा कि अगर आप कहेंगे तो मैं लड़ता हूँ, नहीं तो नहीं। और रही बात विधायक की, देखिए बड़ा चुनाव है, बड़े लोग और शहर के और भी लोग और हमारे क्षेत्र के, हमारे एरिए के बहुत लोग तैयारी में हैं, वो लड़े इलेक्शन, मैं अपना फिलहाल चेयरमैन में बहुत खुश हूँ। आप पे बहुत से आरोप प्रत्यारोप लगे जिसमें से रेप भी एक था। अभी मैंने आपको बताया कि मेरे ऊपर 6 केस फाइल हुए और 6 में से लगभग मैं समझता हूँ 5 तो झूठे ही थे। अब ये जैसा आपने बताया, इलेक्शन से पहले जब मैं काफ़ी मतलब स्पीड से दौड़ रहा था तो हमारे यहाँ एक मरहूम चेयरमैन साहब थे, इंतकाल हो गया उनका, ठीक है अच्छी जगह है वो, उनसे मेरा कुछ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद हुआ तो बड़े नाराज़ थे वो, तो एक ये सलीम करके एक हमारे शहर का मतलब एक बड़ा ख़राब आदमी था, उससे भी मेरा कुछ विवाद चल रहा था, तो उन्होंने उसे सपोर्ट करके उसकी वाइफ से मेरे ऊपर एक फाइल केस फाइल करा दिया, और उसमें मतलब मैं समझता हूँ कि शायद इससे ज़्यादा घिनौना और गंदा इल्ज़ाम और गंदा काम हो भी नहीं सकता। बड़ा ही घिनौना इल्ज़ाम उन्होंने मेरे ऊपर लगाया कि मैंने उनके साथ बलात्कार जैसी एक घटना को अंजाम दिया। खैर मैंने घुटने नहीं टेके, मैं चुनाव जीत गया, मेरे वारंट हो गए, तो मेरे पास कुछ 10 लाख रुपए का उनका ऑफर था कि आप मुझे 10 लाख रुपए दीजिए, मैं अपना केस वापस ले लूँ। मैंने वो 10 लाख रुपए देना बेहतर ना समझ के कोर्ट में केस लड़ना मतलब ज़्यादा बेहतर समझा। मैं लड़ा और इस बीच में लड़ते लड़ते मुझे जेल भी हुई और लगभग मैं 11 दिन जेल भी रहा। जेल रहा मैं, कोई बात नहीं, जेल से मैं आया
तो जितना मतलब ये परेशानी का वक्त था और जेल का वक्त था, जब मैं जेल से आया तो लगभग आप यकीन नहीं करेंगी 2 से 3 हज़ार लोगों ने मतलब मेरा वेलकम किया और मुझे लेके मेरे घर पहुँचे। मतलब मैं, मेरे आंसू आ गए आँख से, मैं ये भी भूल गया कि मैं कैसी क्या परेशानी का झेल के आया हूँ और क्या मेरे ऊपर कितना ख़राब घिनौना इल्ज़ाम मेरे ऊपर, मैं सब कुछ भूल गया। मतलब मेरे शहर वाले लोगों ने मुझे दोनों हाथों से मतलब अपने पलकों पे बिठा के मुझे घर ला के रखा। तो इस बात का जवाब ये है कि रेप जैसे केस में 2-3-4 हज़ार लोग जो है किसी को ख़राब इतने घिनौने काम करने पे किसी को इतनी इज्जत के साथ अपने घर वापसी नहीं कर सकता। तो मेरे शहर के लोगों ने, मेरे क्षेत्र के लोगों ने उस ख़राब काम का ऐसा जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया कि ये मतलब फर्जी केस था और गलत काम हुआ था, इसलिए वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे। मतलब मैं तो सारे गम, आज भी केस चल रहा है, अब वो के फास्ट ट्रैक कोर्ट में आ गया है, इंशाल्लाह तो एक केस मैं जीतूंगा और मुझे पूरा उस ऊपर वाले पे भरोसा है कि 100% मैं जीतूंगा, क्योंकि मैं अपना बिल्कुल ईमानदारी पे हूँ। क्योंकि जिस लेडी ने मेरे ऊपर केस लगाया मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा अभी वो कैसी है, तो मैं कैसे मान लूँ कि मैं इंशाल्लाह मैं तो 100% जीतूंगा। तो ये फर्जी केस था, सभी को पता है। इसके अलावा भी 4-5 केस हैं जो फर्जी है और ऊपर वाले पे पूरा यकीन है कि कभी इंशाल्लाह गलत नहीं होगा, गलत किया नहीं किसी के साथ तो कभी गलत होगा भी। अभी आपने कहा कि आप पे 6 मुकदमे हैं जिनमें से 5 जो है फर्जी है, जी। जो एक मुकदमा ऐसा है जो आपको लगता है कि वो वैलिड है, वो कौन सा? हाँ, वो असल में हमारे ही एक किसी बात को लेके मेरा बिजली विभाग से विवाद हो गया था। एक गरीब से वो 60,000 रुपये की कुछ रिक्वायरमेंट थी, अब रिक्वायरमेंट थी तो मुझे नागवार गुजरी, मैंने उनसे कहा, मैं बोला ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उस पर बस हॉट टॉक हो गई, उनसे मेरा मतलब हाथापाई हो गई थी, तो उसकी वजह से वो मुझे मुकदमा ऐसा लगता है कि मैं नहीं, वो वैलिड भी है क्योंकि मैंने उनके साथ बदतमीजी की थी और एक सरकारी कार्य मैं बाधा की, वो मेरे ऊपर मुकदमा है, तो जाहिर सी बात है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने गलत किया, मुझे वो बात से मान करना चाहिए था, मेरी गलती रही, मैंने उनके ऊपर हाथापाई की, तोड़फोड़ कर दी वो मेरे साथ, वो मुझे ऐसा आज भी महसूस होता है कि वो मैंने गलत किया था। ठीक है, केस चल रहा है, अब आगे ऊपर वाला मालिक है। आप एक युवा नेता तो युवाओं की समस्याओं को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ पाएं, तो नेटोर के युवाओं के डेवलपमेंट के लिए आपका क्या विजन? मेरी कोशिश तो ये रहेगी कि युवाओं को तो मैं खैर बहुत, क्योंकि मैं भी एक खुद युवा हूँ, मैं कोशिश में लगा रहता हूँ कि कुछ ऐसा काम हो। एक्चुअल में क्या है कि मैं एक चेयरमैन हूँ, मतलब मैं तो चेयरपर्सन पुत्र हूँ मैं, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि अपने शहर के लिए यादगार हो जाए। दोबारा मुझे मौका मिले ना मिले ये ऊपर वाले का फैसला है, शहर की जनता का फैसला है, लेकिन मैं कोशिश यही करूँगा कि कुछ ऐसा काम हो जाए जो लोग याद रखें कि हाँ। और अच्छा, असल में हमारे कस्बा नेटोर में ज़रूरत भी बहुत है, बहुत मतलब ऐसी ज़रूरत है कि वहाँ कुछ हो नहीं पाया, एक ज़माना हो गया, मैं जब से बना हूँ लगभग मैंने 30-40 सड़कें बनवा दी और स्ट्रीट लाइट नहीं हुआ करती थी हमारे शहर में। आज हमारे शहर में आप रात में कहीं भी निकल जाएंगी तो शायद मेट्रो सिटी में इतनी अच्छी लाइट नहीं दिखाई देंगी आपको जो हमारे नेटवर्क में, मतलब एक मिसाल कायम हो गई। तो कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा जितना हो सकेगा, जितना सरकार से मिलेगा, जो सरकार हमें मुहैया कराएगी, हम वो कोशिश करेंगे कि अपने शहर के लिए करके आए। ये तो आपने बेसिक डेवलपमेंट की बात की है, मेनली युवाओं को रोज़गार दिलाने के लिए, उनकी एजुकेशन को, उनकी क्वालिटी एजुकेशन आप उन्हें प्रोवाइड करा सकें, इन चीज़ों के लिए आपका विजन? हाँ अभी सर, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज, ऐसा कॉलेज जो हमारे यहाँ क्या होता है, मैं आपको बता दूँ कि हमारे यहाँ दिल्ली और देहरादून ही स्टूडेंट लाए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं दिल्ली और देहरादून जा, मेरी सबसे पहले कोशिश ये रहेगी कि वो लोग अपने माँ बाप के पास रहें और यहीं पर नेटोर में ही कुछ ऐसा हो जाए, या गवर्नमेंट कॉलेज हो जाए, या कोई ऐसा काम हो जाए, इंस्टीट्यूट ऐसा हो जाए कि वो यहीं पर रह के अच्छी तालीम हासिल करें और हमारे नेटोर का और अपने ज़िला बिजनौर का नाम रोशन यहीं से करें। आज क्या है कि जितना भी मतलब लोग हैं स्टूडेंट्स टोटल जितने भी हैं सब दिल्ली और देहरादून जाते हैं, तो वो शहर एकदम खाली खाली सा लगता है, युवा रहता नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि अपना जो बच्चा है, मेरी उम्र के जो लड़के हैं, मैं चाहूँगा वो वहीं रहे और वहीं से मतलब शहर का नाम रोशन करे। कोशिश की जाएगी, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है, सरकार अगर पैसे देगी, सरकार अगर कोई अच्छी योजना देगी तो मेरी सबसे पहले कोशिश यही रहेगी। जी बिल्कुल, पूरी पूरी। अभी मैंने एक प्रस्ताव, अभी मैं आपको बता दूं आपकी बात रोक के, मैंने एक प्रस्ताव मिनी स्टेडियम का भी शहर में अपने बोर्ड में पास किया है, अगर मुझे सरकार से पैसा मुहैया हुआ
तो हम लोग बहुत जल्दी एक नेटवर्क को एक स्टेडियम देने वाले हैं जिससे खेल में भी युवाओं की रुचि बढ़ेगी। ऐसा देखने को मिलता है कि अगर शहर में जैसे ज़्यादा अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ना हो तो जो बच्चे ऐसे हैं जो मतलब जिनके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं वो तो बाहर जाके पढ़ सकते हैं आराम से, लेकिन जैसे जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते और वो शहर में ही रुक जाते हैं तो किसी ना किसी वजह से जैसे पढ़ाई छूट जाती है, तो उस चीज़ के लिए आपका क्या विजन है या फिर आपने ऐसा कुछ किया? एक्चुअली कैसा है कि अभी मैंने आपसे बताया ना कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज की कोशिश में हूँ और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की, यही मेरी सोच है कि हाँ नहीं तो उसके 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 लिए उसके लिए तो मेरे ख्याल में मेरे शहर के लोग जानते हैं, मेरी कोशिश हमेशा बनी रहती है अगर कोई इस काबिल नहीं है कि वो अपनी फ़ीस जमा नहीं कर पाता है या उसको अपने कोर्सेज उसके पूरे नहीं हो पा रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि कोई भी आदमी कोई भी पेरेंट्स मुझसे बहुत खामोशी से अलग में, जिसका कोई नाम नहीं जिसको कोई शोर शराबा नहीं, बिल्कुल खामोशी से मिल और मिलते भी हैं और मैं करता भी हूँ, उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे उसके लिए शहर में शोर मचाना है उसे हाईलाइट करना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खामोशी से बैक हैंड से उनकी हेल्प करूँ, मतलब जिस काबिल मैं हूँ। अच्छा लगा, आपका स्टूडियो अच्छा है और आपने बुला के, आप लोग सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग बहुत प्यार से बात करते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके साथ चाय पी उसके लिए बहुत अच्छा लगा, आप लोग बहुत बढ़िया हैं, आपकी पूरी टीम बहुत अच्छी है, स्पेशली मैं जाफ़िर साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इतनी दूर से बुला के इतनी दस नवाजा, मैं थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक वायर को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू।